नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो हमारा जो टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, इंटरमीडिएट में सॉल्यूशन चैप्टर है बिलियन, जिसमें हमें एक न्यूमेरिकल क्वथनांक का उन्नयन से हिमांक के अवनमन से दोनों में से एक न्यूमेरिकल 100% पूछा जाता है। या तो क्वथनांक के उन्नयन में से पूछ लिया जाएगा या फिर हिमांक के अवनमन में से पूछा जाएगा। इसलिए दोनों ही टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं क्वथनांक के उन्नयन पर। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है सबसे पहले आप ये समझेंगे, क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको समझना बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक, बह ताप जिस पर कोई भी द्रव द्रव यानी कि उबलने लगता है। ठीक है, बॉयल होने लगता है वह उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बात यह आती है कोई भी द्रव उबलता कब है, बॉयल कब होता है। सबसे पहले हमें यह जानना है अभी कि आखिर कोई भी द्रव है वो क्यों बॉयल हो रहा है। ठीक है, उसका रीजन क्या है। देखो, जो द्रव का वाष्प दाब होता है, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के जब बराबर हो जाएगा तब वह द्रव अपने उस ताप पर उबलना स्टार्ट हो जाएगा, वह उसका क्या कहलाएगा, हमारा क्वथनांक कहलाएगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि कोई भी पदार्थ क्या है यानी कि द्रव क्या है, उबल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीज होना, जम जाना, बहता आप जिस पर कोई भी द्रव क्या हो जम जाए यानी कि फ्रीज हो जाए वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि बह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ पिघल जाए यानी कि मेल्ट हो जाए भाई क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी, सबसे उन्नयन करना। कहते नहीं है कि आज आपने बहुत उन्नति कर ली, यानी कि किसी भी मार्ग में या किसी भी फील्ड में आज आप बहुत आगे निकल चुके हैं यानी कि उन्नति कर चुके हैं, उन्नयन हो जाना। ठीक है, यानी कि बढ़ोतरी कर जाना यानी कि बढ़ जाना। ठीक है, अपने से बढ़ जाना। अब हम पढ़ेंगे कि उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपने ये समझा कि क्वथनांक किसे कहा गया, क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्लियर हुआ, क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है यानी कि क्वथनांक कहलाएगा भाई उसका। अब बात आती है कि उबलता क्यों है, उबलने का कारण क्या है, वॉइलिंग होने का रीजन क्या है कि जब द्रव का वाष्प दाब, क्लियर, द्रव का वाष्प दाब एटमोस्फियर, ठीक है, वायुमंडल के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब वह द्रव क्या होगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, यानी कि वॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, अब हम जो जानने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, एलिवेशन ऑफ वॉयलिंग पॉइंट। ठीक, पहले आपको यह समझना होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बिलियन क्या होता है। भाई बिलियन हमें किसी का जानना है, अगर हमें बिलियन जानना है तो बिलियन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक होता है। ये आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, विलयन एक चैप्टर है पूरा, जिसमें मैं आपको आज ये लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है विलयन का, जो इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में आता है टॉपिक। क्लियर, मैं आपको कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो। ठीक है, हर वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो केवल यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में पूछी जाती है। अब आप ये जाने कि जैसे कि वॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं तो नीट में भी आता है, भाई आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो नीट में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप अदर केमिस्ट्री जहां भी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे बिलियन सॉल्यूशन तो 100% दिया ही होगा। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये यूपी बोर्ड के पर्पस से ही मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, नीट के मेन उद्देश्य नीट का भी है इसमें, ऐसा नहीं कि नीट में नहीं आता, नीट में भी आप पूछा जाता है। क्लियर, तो आप विलय बिलियन बराबर के जानते हैं, विलय और विलायक। अब मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे पास क्या है, जल है यानी कि H2O प्लस CO2
C12 ठीक है। अब ये हमारा बिलियन बन गया शुगर, ठीक है। यहां पे ये चीनी है यानी कि शुगर और ये जल है, दोनों को मिलाने पर बिलियन बना। यहां पे विलय क्या होगा, जल होगा भाई विलय, और यहां पे चीनी ले लीजिए यानी कि शुगर, क्या हो गया हमारे पास विलायक हो गया। क्लियर, विलय और विलायक हो गया। अब आप एक बात ये बताइए कि सबसे पहले हम विलय क्या है, जल है, अगर हम जल को उबालेंगे तो वॉइलिंग, जल का जो वॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का वॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उबलना पूर्ण रूप से उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब हमने कोई भी इसमें विलायक मिला दिया तो भाई दो कंडीशन होंगी, एक तो विलायक हमने जब मिलाया तो हमें बिलियन मिला यानी कि हमें शरबत मिलेगा भाई, चीनी और जल का बिलियन। दोनों पॉइंट क्लियर, अब समझे आप, बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना होगा, थोड़ा ध्यान से समझे हमारी बात को सुने। जल हमारा कितने टेम्परेचर पर उबलता है, 100 डिग्री पर उबल रहा है, क्या बोल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर वॉइलिंग हो रहा है, ये क्या है इसका वॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर, कोई भी हमने इसमें अवाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है, नॉन वेपर मेटल्स यानी कि नॉन अवाष्पशील पदार्थ हमने इसमें कोई भी मिलाया, तो अवाष्पशील जो हमने पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं, जो जिन्हें हम रख देते हैं और वो वाष्पीकृत वायुमंडल में ना हो, अवाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा, वाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं, जिन्हें हम वायुमंडल में खुला तो रख दें और वो वाष्पीकृत हो जाए, क्या हो जाएंगे, वाष्पशील कहलाते हैं। अवाष्पशील वो कहलाएंगे जो हमारे वायुमंडल में वाष्पीकृत ना हो खुला रखने पर, ठीक है। तो अवाष्पशील हमने कोई भी पदार्थ इसमें मिलाया, जब मिलाएंगे तो कंडीशन क्या होगी भाई, यानी कि हमें क्या बनेगा, ये शरबत बनेगा यानी कि जो बिलियन बना, इस बिलियन का अगर हम इस बिलियन को उबालेंगे, वॉइलिंग करेंगे, तो दो रीजन होंगे, या तो 100 डिग्री से कम पे उबलने लगेगा या फिर 100 डिग्री से अधिक पर उबलेगा, समझ रहे हैं। तो जमता तो कम पे है लेकिन उबलेगा क्या, हमेशा उन्नयन कर देगा। जब किसी भी जल में या किसी भी ब्लैक में कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, तब उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उससे क्या कहते हैं, सॉरी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। यानी कि फिर से आप समझे, यानी कि जल का जो टेम्परेचर था यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो था वो हमारा क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या था, उबल रहा था। अब हमने इसमें क्या काम करा, हमने एक विलायक मिला दिया, कोई भी विलायक मिला दिया, चीनी ले लीजिए यानी कि शुगर ले लिया हमने, ग्लूकोज ले लिया या फ्रक्टोज ले लिया, कुछ भी हमने मिलाया, कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तब जब हम इसको, हमारे जो बिलियन बना, जब हम इसको बॉइलिंग करेंगे, उबालेंगे, तब इसके ताप में कुछ वृद्धि होगी, यानी कि हम कह सकते हैं जो इस ताप में वृद्धि हुई इसी को क्या कहा गया, क्वथनांक का उन्नयन कहा गया। क्लियर, अब हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन देखें, किसी अवाष्पशील, किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने पर, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाने पर, किसी विलायक में मिलाने पर, क्लियर, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि, हुई
वृद्धि को उस विलयन का वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा टीवी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? फिर से देखेंगे, किसी अवाष्पशील पदार्थ को, अवाष्पशील मैंने बताया जो वाष्पीकृत न हो, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी भी विलायक में मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हुई, अब हम यहां पे ये कह सकते हैं कि विलयन का क्वथनांक, भाई हमने कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाया किसमें, विलायक में, तो क्या बन गया, विलयन बन गया, समझ रहे हैं? तो हम ये कह सकते हैं विलयन का क्वथनांक, ठीक है, या हम कह सकते हैं विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्लियर, इसे क्या कहते हैं, डेल्टा वी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला है, अगर हमें क्वथनांक का उन्नयन निकालना हो, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन बराबर, ठीक, किसमें से निकालेंगे भाई, किसमें से निकालेंगे, यानी कि जो वृद्धि हो रही है विलयन के क्वथनांक में से, विलयन का क्वथनांक माइनस, ठीक है, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। क्लियर हुआ? यानी कि क्वथनांक का अगर हमें उन्नयन निकालना हो तब क्या होगा, क्वथनांक का उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। अब हमें इनको रिप्रेजेंट करना है भाई, कैसे करेंगे, ये डेल्टा टीवी हो गया, विलयन का क्वथनांक हमने क्या माना भाई, टीवी मान लिया, माइनस विलायक का क्वथनांक माना टीवी नॉट, हमारा ये फार्मूला हो गया। ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट, ठीक, जहां पर डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, और हमारा विलयन का क्वथनांक क्या है, टीवी है, माइनस टीवी नॉट क्या हो गया, विलायक का क्वथनांक। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो न्यूमेरिकल हम कराने वाले हैं वो इन्हीं पे होंगे, क्योंकि हमें अगर ये पता नहीं होगा किसमें से उन्नयन निकालना होगा, कहीं पर दे रखा होगा विलायक का क्वथनांक है, कहीं दे रखा होगा विलयन का क्वथनांक ये है, तो हमें क्वथनांक का उन्नयन निकालना होगा, किस किसी क्वेश्चन में क्वथनांक का उन्नयन दे रखा होगा और विलायक का क्वथनांक दे रखा होगा, हमें निकालना होगा विलयन का क्वथनांक। ठीक है, अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, ठीक, इससे एक न्यूमेरिकल हमारा और आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए, वो मैं आज ही कराने वाला हूं, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला हमें नोट करना है, हालांकि उसको प्रूफ करने के लिए हमें बहुत सारा अभी इतना समय नहीं है, पेपर नजदीक है, हालांकि प्रूफ करने में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रूफ नहीं पूछा जाता, केवल न्यूमेरिकल आता है, तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, फालतू चीज अभी हम आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है हमारे, तो एक्स्ट्रा चीज अगर हम पढ़ेंगे भाई, एक्स्ट्रा चीज हमें दो साल पढ़े थे फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ, तब एक्स्ट्रा चीज आपने नहीं पढ़ी, तो अब तो नजदीक एग्जाम होगा, तब एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की आवश्यकता क्या है, केवल आप वो चीज पढ़े जो एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, हमारा एक यहाँ पे फॉर्मूला है, वो क्या है, डेल्टा टीवी बराबर 1000 केवी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये फार्मूला आप नोट कर लें, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब मैं इसमें, आप ये तो जानती हैं डेल्टा टीवी क्या है, ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा। केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया, स्मॉल डब्ल्यू विलय पदार्थ का भार हो गया, स्मॉल एम विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, या क्या बोलते हैं अणुभार, आणविक द्रव्यमान भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, मैं यहां पे सब नोट कर रहा हूं भाई। टीवी आपको क्लियर है, ठीक है। ठीक, टीवी क्या है, क्लियर है हमारे पास। क्वथनांक का उन्नयन, केवी क्या है, मोलल, दो चीज आएंगी, एक मोलर होगा एक मोलर होगा, दोनों में अंतर समझना है। केवी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय पदार्थ का भार या द्रव्यमान, या क्या जाए, द्रव्यमान आ जाए, ठीक है। स्मॉल एम क्या है, विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान या विलय पदार्थ का अणुभार, विलय पदार्थ का अणुभार, अणुभार को ही आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये समझ लीजिए, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, क्लियर। फिर से इस फॉर्मूले देख लीजिए, डेल्टा टीवी बराबर 1000 1000 केवी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सबसे बढ़िया ट्रिक के माध्यम से आप ये समझें, कैपिटल डब्ल्यू होगा तो इसके अपोजिट होगा स्मॉल एम होगा, ठीक है। अगर स्मॉल एम है तो कैपिटल डब्ल्यू होगा, यहां पर स्मॉल डब्ल्यू नहीं कर देंगे आप, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार करना है हमें, क्लियर। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, क्या होता है वो समझ लीजिए, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, मोलल जो होता है, अंतर बाद में बता देंगे, पहले आप समझें। अगर किसी क्वेश्चन में मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझो, इसको के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, के द्वारा क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हमारा केवी था, केवी जो था, तो केवी बराबर के अपॉन टेन लगा देना, समीकरण क्या है, वन है, ठीक है। एक फार्मूला हमारा ये हो गया, तो हम देखेंगे समीकरण, समीकरण वन से कर लीजिए, क्या करेंगे भाई, डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम टेन कैपिटल डब्ल्यू, ये जीरो से ये समाप्त हो जाएगा। डेल्टा टी वी बराबर
1000 के स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारा फार्मूला क्लियर हुआ। ठीक है, ये किसका है? मोलर का, यहां पे लिखा हुआ है मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी क्या के, क्लियर। ये मोलर के लिए लगाएंगे, ये मोलल के लिए लगाएंगे। ठीक है, अगर कहीं मोलल आए तो मोलल का मतलब होता है 1000 में, और मोलर का मतलब होता है 100 में। ठीक है, केवल आपको इतना अंतर ध्यान रखना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में मोलर उन्नयन स्थिरांक पूछे तब आपको 100 वाला फार्मूला लगाना है, यानी कि 100 ग्राम में। ठीक, अब यदि किसी भी क्वेश्चन में मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछे तब आपको लगाना है 1000 वाला, क्योंकि 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में, समझ रहे हैं? तो इतना ध्यान रखना है, मोलल शब्द 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, और मोलर शब्द आ जाए तब 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। देखिए, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो अभी हमने फार्मूला आपको अपने प्रूफ करा था अपनों ने, वो अब हम इस पे दोनों फार्मूला लागू होंगे। क्वेश्चन समझें, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन, ठीक है, 353.23 केल्विन यानी कि 353.23 केल्विन है, क्लियर। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय, जो चीज दे रखी है आप इसको अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, बेंजीन, बेंजीन को अंडरलाइन कर लिया हमने, ठीक है, का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 1.80 अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया, 354.11 केल्विन हो गया, क्लियर, यानी कि हो जाता है। तब हमें विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी, ठीक है, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। और एक चीज और दे रखा होता है क्वेश्चन में, ये चीज दे रखी होगी आपको कि बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दे रखा है, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो दे रखा होगा हम वो पुट करेंगे, यानी कि जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या दे रखा है भाई, फार्मूला समझे आप, डेल्टा टीवी बराबर मोलल शब्द आ गया, ठीक है, केवी का मान यानी कि मोलर आ गया तो 1000 होगा, केवी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। अब इसमें जो चीज दे रखी है वो चीज हम लिखेंगे भाई, यहां पे क्या क्या चीज दे रखा है, सबसे पहले बेंजीन और इसमें अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं, ठीक है, विलय जब हम अवाष्पशील मिला रहे हैं तो बेंजीन किसका कार्य कर रहा है यहाँ पे, विलायक का, ठीक है, बेंजीन क्या है, विलायक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो विलायक का क्वथनांक है, यानी कि बेंजीन क्या है, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक हमने डिनोट करा था किससे, डेल्टा, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीज दिया है, टीवी नॉट, विलायक का क्वथनांक कितना दे रखा है, 353.23 केल्विन, ठीक है, फिर दे रखा है विलयन का क्वथनांक बढ़कर, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीवी कितना दे दिया, डेल्टा टीवी नहीं, टीवी केवल क्वथनांक का उन्नयन है विलयन का जो बढ़ा हमारा, ठीक है, टीवी कितना दे रखा है, क्लियर। अब हम यहां से निकाल सकते हैं, पहले सब चीज लिख लीजिए, कोई नहीं,
आवासशील विलय कितना दे रखा है 1.80 ग्राम, यानी कि विलय का भार स्मॉल डब्लू, विलय का भार क्या कितना दे रखा है स्मॉल डब्लू, कितना दे रखा है 1.80 ग्राम, क्लियर। फिर है 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलायक का भार कैपिटल डब्लू 90 ग्राम, ठीक है, घोलने पर मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, यानी कि एम की हमें गणना करनी है, और केवी का मान दे रखा है 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है, ये हमारा सब कुछ दे रखा है। फिर से समझे, बेंजीन का क्वथनांक यानी कि बेंजीन क्या है विलायक, विलायक का क्वथनांक कितना हो गया टीवी, विलायक का क्वथनांक क्या हो गया टीवी नॉट हमारा 353.23 केल्विन, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय तो 1.80 स्मॉल डब्लू 1.80 ग्राम हो गया, 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर तो बेंजीन क्या है विलायक का भार कैपिटल डब्लू 90 ग्राम हो गया, विलयन के क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया विलयन का क्वथनांक हमारा टीवी, विलयन का क्वथनांक टीवी 354.11 केल्विन हो गया, ठीक है। मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है यानी कि एम की गणना करनी है, केवी का मान इसमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डेल्टा टीवी, भाई डेल्टा टीवी हमें ये फार्मूला होता है तो हम डेल्टा टीवी निकालेंगे, ठीक। डेल्टा टीवी कैसे निकलेगा देखिए भाई, डेल्टा टीवी बराबर मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, क्या बताया डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट, क्लियर। टीवी कितना दे रखा है 354.11 माइनस टीवी नॉट कितना दे रखा है 353.23, जब हम इसको माइनस करेंगे कितने आएंगे 8 केल्विन 0.88 केल्विन, टीवी का मान आ गया, ठीक है। अब हम क्या काम करें ये फार्मूला यहां पे वैल्यू पुट कर दें, भाई हमें यहां पे एम ज्ञात करना है, ये जब एम हम ज्ञात करेंगे तो यहां पे पहले मैं आपको ज्ञात करना सिखाऊंगा, भाई जिसको हम ज्ञात करना हो उसको पहले लिख देते हैं, यहां पे बता देते हैं इसकी मल्टीप्लाई इधर से इधर करेंगे, यानी कि डेल्टा टीवी एम कैपिटल डब्लू बराबर 1000 केवी स्मॉल डब्लू, एम बराबर 1000 केवी स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल अपॉन डेल्टा टीवी कैपिटल डब्लू, ये फार्मूला हो गया, एम बराबर हमारा ये फार्मूला निकल आया भाई, देखें यहां लगाते हैं हम एम बराबर 1000 केवी स्मॉल डब्लू, क्लियर, डेल्टा टीवी कैपिटल डब्लू, सब कुछ दे रखा है, सभी के वैल्यू हम लगा दीजिए 1000 केवी कितना दे रखा है 2.53 स्मॉल डब्लू कितना दे रखा है स्मॉल डब्लू 1.80 डेल्टा टीवी 0.88 और क्या है कैपिटल डब्लू हमारा कितना निकल के आया 90 ग्राम। इसको हम सॉल्व करें, जब सॉल्व करेंगे देखिए दो पॉइंट है कैंसिल, दो बढ़ाए दो जीरो नीचे बढ़ा दिया, क्लियर, 30 से 30 कैंसिल, ठीक, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 20, 11 से काटेंगे 11 88 11 से ये काटें 11 दूनी 22 11 3 33
ठीक है, यानी कि जब हमारा ये आएगा कितना आएगा निकल के, मल्टीप्लाई करी जीरो का जीरो, ठीक है, 460 अपॉन 8 बराबर क्या आएगा निकल के, 8 से काटें, 8 पंजे 40 बचे 6, 60 हो गए, 60 हो गए, 8 सत्ते 56 कितने बचे, 4.40 हो गए, 8 पंजे 40। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जाए प्रति मोल, क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अगर आपसे द्रव्यमान पूछा होता, क्या चीज, द्रव्यमान पूछा होता, विलय का अणु भार बताइए या विलय का आणविक द्रव्यमान बताइए, तब आप क्या करते, उसका मात्रक नहीं लिखते, ऐसी छोड़ देते। अगर आपसे ये पूछा जाए मोलर द्रव्यमान, तब आप क्या काम करेंगे, ये हमारा ग्राम प्रति मोल आपको वैल्यू लगा देनी है। क्लियर, डन, ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। एग्जाम में 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, 1 नंबर की कोई परिभाषा पूछ लेंगे, 4 नंबर में एक क्वेश्चन 100% यहां से आना है। ठीक है, क्लियर, डन। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो न्यूमेरिकल क्या है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, ठीक है, कितने, 2.5 ग्राम को यहां पे दे रखा है अवाष्पशील पदार्थ। आप तो समझ जाइए कि अवाष्पशील पदार्थ है, तब वो क्या दे रखा है, विलय दे रखा है, ठीक है, 100 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन में यानी कि जिसमें घोला गया है वो क्या है, विलायक है। ठीक है, घोलने पर क्वथनांक में यानी कि 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है, वृद्धि जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 0.4 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन के मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है, तो पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। यहां पे हमें अणु भार ज्ञात करना है, अणु भार और मोलर द्रव्यमान मैंने एक ही बताया, लेकिन अंतर इतना था, मोलर द्रव्यमान जब कभी भी पूछे आप उसका मात्रक लिखेंगे ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मोल उसका मात्रक लिखना है आपको। अगर आपका अणु भार पूछे तब आपको उसका मात्रक नहीं लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, क्या क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या चीज दे रखी है। सबसे पहले विलय पदार्थ का भार यानी कि स्मॉल डब्ल्यू क्या दे रखा है, 0.5 ग्राम। ठीक है, फिर 100 ग्राम बेंजीन में यानी कि कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 100 ग्राम। क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई, यानी कि वृद्धि हो रही है, तो डेल्टा टीवी कितना दे रखा है, 0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल शब्द आ गया तो 1000 वाला फार्मूला लगेगा आपको पता है, कितना दे रखा है, केवी कितना दे रखा है, 2.67। पदार्थ का अणु भार ज्ञात करना है यानी कि एम हमें ज्ञात करना है। क्लियर, सब चीज दे रखी है हमें, फार्मूला वी नो डेट, फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर 1000 केवी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। एम हमें ज्ञात करना है, इसको इधर पहुंचा दिए, इसको इधर पहुंचा दीजिए, एम बराबर 1000 केवी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीवी कैपिटल डब्ल्यू, सबकी वैल्यू लगा देंगे भाई। 1000 केवी कितना दे रखा है, 2.67, स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 2.5, डेल्टा टीवी 0.4, कैपिटल डब्ल्यू 100। क्लियर, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे। ठीक है, सॉल्व करें, 1 2 3 1 2 3, क्लियर, ये आएगा, 2 से काटेंगे,
फाइव से काट दीजिए, फाइव टू और फाइव फाइव जा, ठीक है, कितना आएगा, पांच सत्ते पैंतीस, तीन पांच छत्तीस, तीन तैतीस, पांच दूनी दस और तीन तेरह, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, आठ एक आठ जाएगा छियासठ, ठीक है, आठ यानी कि कितने बचेंगे तेरह, यानी कि हमारे पास जोड़ेंगे यानी कि फाइव बचे, त्रिपन आठ छ अड़तालीस, फिर एक सौ छियासठ पॉइंट कुछ आना चाहिए, एक सौ छियासठ पॉइंट एट सेवन फाइव, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर, हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया डन। यानी कि फिर से देखें हमें क्या क्लियर करना है, एम ज्ञात करना है, एम यानी कि पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, पदार्थ का अणुभार हमें ज्ञात करना था, फार्मूला हमने लगा दिया, ठीक है, डेल्टा टी भी बराबर 1000 केवी स्मॉल डब्लू स्मॉल एम कैपिटल डब्लू, क्लियर हुआ, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया, तब क्वथनांक में 0.17 के केल्विन की वृद्धि हुई, ठीक है, यानी कि 0.17 केल्विन की क्या हुई, वृद्धि हुई, तब जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है हमें, ठीक है, क्या करना है, जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, अब यहीं से आप लिख लें, देखो क्या दे रखा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर का मतलब के, ज्ञात करना है हमें, ग्लूकोज विलेय है स्मॉल डब्लू 9 ग्राम, ठीक है, विलेय क्या है, जल है 150 ग्राम है, तो कैपिटल डब्लू 150 ग्राम, क्लियर, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, डेल्टा टीवी 0.17, क्लियर, 0.17, जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, अभी हमें रह गया क्या, स्मॉल एम, स्मॉल एम ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज का अणुभार यानी कि C6H12O6, जब हम लगाएंगे ये C6 है, 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, तो ये सब जो आएगा वो 180 आता है, ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो 180 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, आगे चल के आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जहां भी आ रहा है उसका अणुभार कितना है, 180, ठीक है, 180। अब हम इसमें फार्मूला लगा दें, हमें ज्ञात क्या करना है, के ज्ञात करना है, हमें के ज्ञात करना है, मोलर शब्द आ गया, 100 वाला फार्मूला लगाना है, यानी कि डेल्टा टीवी बराबर 100 के स्मॉल डब्लू स्मॉल एम कैपिटल डब्लू, तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 के डेल्टा टीवी स्मॉल एम कैपिटल डब्लू, ज्ञात करना है के, के बराबर डेल्टा टीवी एम कैपिटल डब्लू अपॉन 100 × स्मॉल डब्लू, ये इसमें बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है, हमें सबसे पहले जो चीज ज्ञात करनी है उसके बराबर रख दें, बाद में करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, अब सबकी वैल्यू लगा दीजिए, बहुत ही इजी हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है, डेल्टा टीवी कितना दे रखा है, 0.17 × m कितना दे रखा है, 180, कैपिटल डब्लू कितना दे रखा है, 150 अपॉन 100, स्मॉल डब्लू कितना दे रखा है, 9 ग्राम, ठीक है, हमें जब इसको सॉल्व करना होगा, देखें क्या करेंगे, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा लिया, 120, 9 × 2 = 18, ठीक है, दो से काटें 50 बार,
पांच से काटिए, तीन और पांच है 50, 70 दिया 51 अपॉन 10 यानी कि 5.1। क्लियर, कितना आया 5.1। मात्रक क्या है, मात्रक इसका क्या निकलेगा, केल्विन प्रति मोल, केल्विन प्रति मोल। क्लियर, क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल। केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि मोलर शब्द आए हमें 100 लगाना है, मोलर शब्द आए 1000 लगाना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य छोड़ें आज की क्लास कैसी लगी। बाकी कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।